अच्छा तो कभी कभी क्या होता है कि हमें रोजी रोटी के लिए, सपनों के लिए, उम्मीद के लिए अपना शहर, अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो इसी पे कुछ लिखा है, देखना। कि जिम्मेदारियों का ताज सर पे सजाए निकल चुके हैं घर से दूर। दूर तो कोई नहीं जाना चाहता, मगर क्या है ना कि इस जिंदगी के सफर में SUFFER वाला सफर बहुत है, तो बस बनना पड़ता है मुसाफिर अनजान रास्तों का। अनजान लोगों से मिलते हुए चलते जाना है, खुद कमाना है, खुद बनाना है, खुद खाना है, और हाँ थोड़ा सा रुपया भी बचाना है घर बेचने के लिए। अच्छा जो शौक थे वो ख़त्म नहीं करे हैं, बस जो बड़े शौक थे उनको छोटे वर्जन में अपडेट कर दिया है। जैसे क्लब की पार्टी की जगह अब कमरे में अकेले होकर ईयरफोन लगा के डांस करने ने ले ली है। डोमिनोज के पिज्जा और कोको कोला की जगह अब शाम को काम के बाद कुल्हड़ वाली चाय और सुट्टे ने ले ली है। दोस्तों के साथ गेड़ी लगाने की जगह अब ऑटो, बस, मेट्रो और ई रिक्शा वालों ने ले ली है। अच्छा अब तो इतना ई रिक्शा में बैठ के घर आने लगा हूँ कि कई रिक्शा वालों को तो पता भी है कि मुझे जाना कहाँ है, तो बस बिना पूछे कि भैया कहाँ जा रहे हो, बैठ जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ घर। अच्छा अब महबूब से कॉलिंग पर बिजी रहने की जगह कामकाज की बिजी लाइफ ने ले ली है। हाँ फिर भी दिन के बीच बीच में और रात में समय निकाल कर जी भर के बातें तो हो ही जाती है, फिर भी जी नहीं पड़ता। अच्छा अभी जहाँ रहता हूँ जिस घर में, वो घर थोड़ी ना है, वो तो मकान है यार। घर तो लोगों से मिलके बनता है ना, कुछ लोग ही तो परिवार बनके उस पत्थर से बने मकान को घर बनाते हैं। अच्छा अब की बार जब घर वापस जाऊंगा तो सोच रहा हूँ कुछ तोहफे लेकर जाऊं। एक तोहफा माँ के लिए, पिताजी वैसे इतना तोहफे के शौकीन नहीं है, मगर फिर भी सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी घड़ी उनके लिए लेके जाऊं। एक और शख्स है जिससे मिलके उसका दीदार करना है। पिछली बार उस शख्स को झुमके बहुत पसंद आए थे, अब इस बार क्या देना है बस वही सोच विचार चल रहा है। फिलहाल तो भैया इंतजार चल रहा है। अच्छा तो चलो ख्याल रखना, वो क्या है ना कि मुझे सपने पूरे करने जाना है, फिर मिलेंगे।